हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज ऑफ मैथमेटिक्स टीचर। आज हम एक गणित अध्यापक किस प्रकार कॉम्पिटेंट होना चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे। टीचर कॉम्पिटेंसीज के अंदर दो पॉइंट आते हैं। नंबर वन, कॉग्निटिव एबिलिटीज, प्रोफेशनल नॉलेज। इसके अंदर कॉन्सेप्ट नॉलेज, पेडागोजिकल कंसेप्ट नॉलेज, और सेकंड जो है एफेक्टिव मोटिवेशनल करेक्टरिस्टिक्स, प्रोफेशनल बिलीफ्स, मोटिवेशन एंड सेल्फ रेगुलेशन। इसके अंदर बिलीफ अबाउट मैथमेटिक्स एंड द टीचिंग एंड लर्निंग मैथमेटिक्स। सेकंड इसमें है प्रोफेशनल मोटिवेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। तो टीचर कॉम्पिटेंसीज के अंदर इन दो बातों का आवश्यक रूप से ध्यान रखना चाहिए कि एक तो कंसेप्ट क्लियर हो, पेडागोजिकल सब्जेक्ट के अंदर अपनी कमांड हो, और मैथमेटिक्स टीचर को अपने सब्जेक्ट के बारे में पूरा पता होना चाहिए। किस प्रकार से व्यावसायिक रूप से हम अच्छे ढंग से विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हैं, वो पूरी नॉलेज एक टीचर को होनी चाहिए। द स्किल नीडेड फॉर इफेक्टिव टीचिंग इन्वॉल्व मोर देन जस्ट एक्सपर्टाइज इन एन एकेडमिक फील्ड। यू मस्ट बी एबल टू इंटरेक्ट विद पीपल एंड हेल्प देम अंडरस्टैंड ए न्यू वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड। दिस इज नॉट एन ईजी जॉब। Although there are many different ways to teach effectively, good instructors have several qualities in common. They are prepared, set clear and fair expectations, have a positive attitude, are patient with students and assess their teaching on a regular basis. अलग अलग teachers की अपने अपने students को पढ़ाने के लिए अलग अलग strategy होती है। हर एक कॉम्पिटेंट टीचर को सभी प्रकार के स्टूडेंट के साथ बराबर रूप से इंटरेक्ट करना चाहिए। विद्यार्थियों में अलग अलग प्रकार के पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं, सबकी क्वालिटी एक जैसी नहीं होती है, लेकिन बहुत से टीचर्स की पढ़ाने की क्वालिटी जो होती है वो एक जैसी होती है। तो सभी उन टीचर्स का जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए, स्टूडेंट के प्रति एक नम्र स्वभाव उनका होना चाहिए, और रेगुलर बेस पर हर स्टूडेंट्स को देखना चाहिए कि कौन स्टूडेंट कितना प्रोग्रेस कर रहा है। दे आर एबल टू एडजस्ट देयर टीचिंग स्ट्रेटजी टू फिट बोथ द स्टूडेंट एंड द मटेरियल। रिकॉग्नाइज दैट डिफरेंट स्टूडेंट्स लर्न इन डिफरेंट वेज। विद्यार्थियों को अलग अलग प्रकार से कैटेगरी में बांटकर एक अध्यापक को उनके लिए अलग अलग रूप से टीचिंग लर्निंग करवानी चाहिए, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स का जो आईक्यू होता है वो एक जैसा नहीं होता है। एज ए टीचर यू आर ए रोल मॉडल हु सेट्स द टोन फॉर द क्लास। एक अध्यापक जो होता है पूरी कक्षा का रोल मॉडल होता है। इफ़ यू आर एबल टू शो एंथुसिज्म एंड कमिटमेंट, योर स्टूडेंट आर मोर लाइकली टू रेसिप्रोकेट। कन्वर्सली व्हेन यू आर नेगेटिव, अनप्रिपेयर्ड और इम्पेशेंट, दीज क्वालिटीज विल बी रिफ्लेक्टेड इन द एटीट्यूड ऑफ योर स्टूडेंट। जैसा अध्यापक अपने अंदर एटीट्यूड रखेगा, इफ ए टीचर इज पॉजिटिव देन देयर स्टूडेंट्स इज ऑल्सो पॉजिटिव। इफ टीचर इज नेगेटिव then their students is also negative। तो विद्यार्थी जिस प्रकार का टीचर्स का बिहेव होगा उसी प्रकार का रिफ्लेक्शन उसके स्टूडेंट्स के अंदर दिखाई देगा। अब ये आपके सामने एक चित्र है कि कॉन्टेक्स्ट दिखाया गया है सर्कल के थ्रू कि टीचर का जो रिफ्लेक्शन है वो स्टूडेंट के तरफ जाता है, स्टूडेंट का रिफ्लेक्शन स्टूडेंट की तरफ जाता है, और टीचर का जो रिफ्लेक्शन है वो मैथमेटिक्स के नॉलेज के ऊपर दिखाई देता है। तो
तो इसी प्रकार स्टूडेंट का स्टूडेंट से किस प्रकार, यदि हम जिस प्रकार से क्लास के अंदर अच्छे विद्यार्थियों का अनुसरण करेंगे तो हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा, और यदि नेगेटिव स्टूडेंट के साथ यदि हम रहेंगे या उनके साथ बैठेंगे या उनका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे तो हमारे के अंदर नेगेटिव एटीट्यूड पनपेगा। तो इस सर्कल का अर्थ ये है कि टीचर जो है वो विद्यार्थियों के लिए रोल मॉडल होता है। यदि सभी स्टूडेंट टीचर का अनुसरण करेंगे और टीचर पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर होगा तो निश्चित तौर पर पूरी कक्षा के अंदर पॉजिटिव माहौल दिखाई देगा। इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, ए मैथमेटिक्स टीचर शुड हैव फुल कमांड ओवर सब्जेक्ट मैटर, इट इज़ पॉसिबल व्हेन ही हैज़ इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड मैथमेटिक्स। ये बहुत मुख्य पॉइंट है कि एक गणित अध्यापक को अपने विषय के ऊपर पूरी कमांड होनी चाहिए, उसका जो भी इंटरेस्ट है वो मैथमेटिक्स के अंदर पूरा होना चाहिए, और मैथमेटिक्स के ऊपर उसका पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। ए मैथमेटिक्स टीचर शुड हैव पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड हिज टीचिंग सब्जेक्ट बिकॉज हिज सेल्फ एटीट्यूड डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द लर्निंग प्रोसेस ऑफ द स्टूडेंट। यह हम पहले पढ़ चुके हैं कि यदि एक गणित अध्यापक का पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा या उसका स्वयं का सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो उसके विद्यार्थियों का भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा। इसलिए एक मैथमेटिक्स टीचर को अपने सब्जेक्ट पर पूरी कमांड रखनी चाहिए। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जो भी आप पढ़ा रहे हैं, ए मैथमेटिक्स टीचर शुड हैव फुल नॉलेज ऑफ हिज सब्जेक्ट, ए लिटल नॉलेज इन सब्जेक्ट मैटर कैन नॉट मेक हिम ट्रस्टवर्दी अमंग स्टूडेंट्स। एक गणित अध्यापक को अपने सब्जेक्ट मैटर पर पूरी कमांड होनी चाहिए। आप जिस दिन भी क्लास में जो भी सब्जेक्ट मैटर पढ़ाने जा रहे हैं उस पर आपकी पूरी कमांड होनी चाहिए। यदि आप अनप्रिपेयर्ड हैं, तैयारी नहीं है, तो आप स्टूडेंट्स के अंदर विश्वास पैदा नहीं कर सकते हैं, स्पष्ट दिखाई देता है कि यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। तो इसलिए एक टीचर को अपने नॉलेज पर, सब्जेक्ट मैटर पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ए टीचर शुड प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर स्किलफुली, मेकिंग इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स, इंट्रोड्यूसिंग वेल मेथड्स एंड अप्लाइंग वेरियस एड्स। जो भी सब्जेक्ट मैटर आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं, जो पढ़ाने जा रहे हैं, उसको आप अच्छे ढंग से, अच्छे मेथड से स्टूडेंट्स के सामने प्रस्तुत कीजिए। जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपको यूज करने हैं उनको अच्छे ढंग से कीजिए। इंस्पायरेशन टू ड्रिल वर्क, ए मैथमेटिक्स टीचर शुड इंस्पायर एंड मोटिवेट द स्टूडेंट टू ड्रिल एंड प्रैक्टिस वर्क थ्रू एग्जाम्पल्स, अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ फार्मूले। तो एक गणित अध्यापक को जो प्रैक्टिस वर्क है वो अधिक से अधिक कक्षा के अंदर करवाना चाहिए, चाहे फॉर्मूले हो, चाहे ज्योमेट्री हो, चाहे एलजेब्रा हो, कोई भी आप सब्जेक्ट मैटर पढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर ड्रिल ब्रिक वर्क का अधिक इस्तेमाल होना चाहिए। गुड टीचर आर इन बार नॉट मेड, बहुत से वैज्ञानिकों ने, बहुत से राइटर्स ने ये कहा है कि अच्छे टीचर पैदा नहीं किए जाते, बनाए जाते हैं। बट इट इज़ underlying fact that training and their self experience also bring a great change in them. परंतु ये सत्य है कि जो प्रैक्टिस होती है, जो हम ट्रेनिंग करते हैं हमारे स्टूडेंट के ऊपर, जो हम शुरू से लेकर आखिर तक ट्रेनिंग करते हैं, वो एक टीचर्स के अंदर बहुत अधिक उसके अंदर चेंज लाते हैं। तो इसलिए एक अच्छे टीचर को अच्छे ढंग से पढ़ाने के लिए बहुत अच्छे मेथड्स का प्रयोग करना चाहिए और अच्छे ढंग से स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए। नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ए गुड टीचर इज ही हु द नॉलेज टू जज इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिकॉज एवरी स्टूडेंट इज डिफरेंट इन
रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड वर्क स्पीड इन मैथमेटिक्स। एक अच्छे अध्यापक को क्लास के अंदर अलग अलग विद्यार्थी का पता होना चाहिए। सभी पढ़ने में अच्छे नहीं होते, सभी लिखने में अच्छे नहीं होते, सभी समझने में अच्छे नहीं होते, सभी विद्यार्थियों की स्पीड बराबर नहीं होती। नॉलेज ऑफ डिफरेंट टीचिंग मेथड विद ए फार्म ग्रिप ओवर द सब्जेक्ट मैटर, ए मैथमेटिक्स टीचर शुड नो द टीचिंग मेथड, ही शुड क्लियरली नो द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स। अलग अलग मेथड्स का एक मैथमेटिक्स टीचर को पता होना चाहिए। एक ही मेथड से सभी स्टूडेंट संतुष्ट नहीं हो सकते। एक कक्षा के अंदर सभी प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, वहाँ पर हमें अलग अलग प्रकार के टीचिंग मेथड का प्रयोग करना चाहिए। पावर टू नो द डिफ़िकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट्स। एक अध्यापक के अंदर ये अक्षमता होनी चाहिए कि वो अलग अलग विद्यार्थियों की अलग अलग शक्ति को अलग अलग ढंग से देख सके। इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ए मैथमेटिक्स टीचर टू नो वेयर द स्टूडेंट्स आर फीलिंग डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। एक अध्यापक को ये पता होना चाहिए कि विद्यार्थियों को जो भी समस्या वो सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पर कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, उसको सॉल्व करने की एबिलिटी का ज्ञान होना एक टीचर के लिए आवश्यक है। द टीचर शुड पार्टिसिपेट एंथुसिएस्टिकली इन वेरियस स्कूल एक्टिविटीज सच एज। एक अच्छे अध्यापक को विद्यालय में होने वाली निम्न जो फैसिलिटीज हैं उनके अंदर भाग लेना चाहिए। नंबर वन, फैकल्टी मीटिंग्स। सेकंड, स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स। थर्ड, मैथमेटिक क्लब। फोर्थ, सोशल इवेंट्स। फिफ्थ, स्कूल पब्लिकेशंस। सिक्स, एक्सक्यूरिशंस। सेवन्थ, एजुकेशनल फेयर्स। एंड लास्ट, एजुकेशनल क्विज। इस प्रकार के जो भागीदारी के अंदर एक टीचर जब भाग लेता है तो स्टूडेंट का तो ओवरऑल डेवलपमेंट करने में सहायक होता ही होता है, साथ साथ में उसको खुद को भी अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, उसका नॉलेज बढ़ता है और आने वाले समय में जो भी क्लासेज वो लेते हैं तो उनके अंदर बहुत अच्छा करके दिखाने की एक उनके अंदर अक्षमता जागृत होती है। थैंक यू।